रोज सुबह नींबू पानी का सेवन न सिर्फ आपको तरोताजा रखता है बल्कि इसके ऐसे कई सारे फायदे हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी के साथ ही करना चाहेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या है नींबू पानी के फायदे, जिसे आप भी अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाकर सेहतमंद रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोटापा घटाना है तो सुबह सुबह नींबू पानी पीजिए, लेकिन सुबह सवेरे नींबू पानी सिर्फ मोटे ही नहीं बल्कि हर उस आदमी के लिए बेहद जरूरी है जो दिन की शुरुआत ताजगी से करना चाहता है। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि एक ग्लास नींबू पानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत आम हो चुका है नुस्खा कि अगर पतला होना है तो सुबह सुबह नींबू पानी शहद के साथ लो, लेकिन नींबू पानी किस तरह के फायदे और दे सकता है? देखिए, नींबू है और पानी है, दो चीजें उसके अंदर हैं। नींबू में अपने क्वालिटीज होती हैं, पानी भी हम पीने को बोलते हैं और पानी पीने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन पानी में नींबू मिला लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहले ये हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी आंतें होती हैं उनको साफ करता है, पाचन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर के जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। स्रोत शुद्धि, कहीं पर चैनल्स में कहीं पर छोटा मोटा कुछ टॉक्सिन्स जमे हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, कई बार हम कहते हैं कि कोई चीज़ जम जाती है बॉडी के अंदर, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर को क्लीन करता है। इसके अतिरिक्त जो है आम के हम जिक्र करते हैं आयुर्वेद में, कि आम बनता है हमारे शरीर में जो कि अपच के कारण बनता है, इंडाइजेशन के कारण बनता है, और उस आम को पचाने में भी नींबू पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कि खास तौर से गले का इन्फेक्शन आपको हो, बार बार आपको गले में कुछ खराश होती है, जुकाम होता है, छींकें आती हैं, या और भी शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, उनसे भी हमें बचाता है नींबू पानी। आज हम बात कर रहे हैं नींबू पानी की। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार नींबू के रस में ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जो हैं वो दिन की शुरुआत इसी से करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है किसी भी डाइटिशियन के पास जाओ, वो यही कहता है कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तरोताजगी से भरना चाहते हो, तो नींबू पानी से स्टार्टिंग करो। नींबू के रस में ऐसा क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो दो चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहली चीज कि आपका मल जो है पेट में नहीं रहना चाहिए, आपका मोशन क्लियर होना चाहिए, तो नींबू पानी पियेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। दूसरा, साथ साथ आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको शरीर में शक्ति चाहिए, आपने दिन की शुरुआत की है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुस्ती बैठे हुए हैं, कुछ एनर्जी नहीं है बॉडी में और दिन की शुरुआत आपने कर दी, तो नींबू पानी पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। और खासतौर पर कई बार हम आपको ये भी कहते हैं कि उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए आप, तो शहद से और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो नींबू पानी पीने से इसलिए आपको बताया जाता है, जितने भी न्यूट्रिशन के जो लोग हैं या डाइटिशियंस होते हैं वो आपको बताते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वेट को कंट्रोल करने में ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, और आजकल लोग वेट के काफ़ी जो है कॉन्शियस हैं, और हम लोग भी आपको बार बार कहते हैं कि अपना जो वज़न है उसको हमेशा आपको नियंत्रित रखना चाहिए। जो लोग अपने वज़न को अपने हाइट के अनुसार सामान्य रखते हैं उनको रोग कम आते हैं, और जिनका वजन ज्यादा हो जाता है, वेट ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी जिनको हो जाती है, उनको फिर अनेक प्रकार के रोग ऐसे ही उनको आने लगते हैं। आगरा से अजय जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। क्या है, मुझे जुकाम रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमेशा जुकाम खांसी लग जाती है। देखिये, जुकाम अगर हमेशा रहता है आपको, सर्दी हो गर्मी हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो इम्यूनिटी पावर है, नाक जो है, गला है, फेफड़े हैं, वो कमजोर है। च्यवनप्राश आज से खाना शुरू करिए, एक चम्मच बड़ा च्यवनप्राश रोज खाइए, जीवा से आप मंगा सकते हैं, फोन करके आपके घर पे आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि खाने में ऐसे भोजन मत खाइए जो बलगम बनाने वाले, जो म्यूकस बनाने वाले, मिठाई और तली चीजें, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें फ्रिज की मत खाइए, उससे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। हल्का भोजन खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, सुपाच्य भोजन हो, आसानी से पचने वाला भोजन हो, ऐसा अगर आप करेंगे नियमित रूप से तो आपको बहुत आराम आएगा। इसके अलावा नाक में थोड़ा देसी घी आप डालिए रात को सोते समय, दोनों नासिकाओं में तीन तीन चार चार बूंद देसी घी रात को डालिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके पश्चात भी अगर आपको कोई तकलीफ रहती है तो आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, ऐसे रोगों में बहुत फायदा करती हैं, उनका प्रयोग कीजिए। नींबू जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, इसी वजह से एक तरह से देखा जाए जब हम नींबू पानी पीते हैं तो पूरा दिन ताजगी रहती है। लेकिन और कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो विटामिन सी हो गया, और क्या क्या है इसके अंदर? विटामिन सी है, विटामिन ए भी थोड़ी मात्रा में होता है, विटामिन बी जो कई प्रकार के होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं, विटामिन ई भी होता है। मिनरल्स में देखें तो कैल्शियम है, पोटाशियम है,
जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और आयरन की मात्रा भी इसमें थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो काफ़ी सारे तत्व हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो नींबू पानी में काफ़ी अच्छे और भी तत्व हैं, केवल विटामिन सी ही नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी गुणकारी तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी त्वचा का ख्याल रखें और खूब पानी पीजिए। और आज हम बात भी कर रहे हैं नींबू पानी की, चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं। हालांकि उन्होंने हमें ये बताया कि नींबू के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, अब ये जानते हैं कि इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, इतने सारे पोषक तत्व है, तो ये हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, रोगों की बात करें तो नींबू पानी पीने से कौन कौन सी परेशानियों से हम बच सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, जो आपका कब्ज रहती है लोगों को, यूटीआई आपने सुना होगा नाम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर आप यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, यूरिन आने में कोई परेशानी हो रही है, उसमें नींबू पानी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मोटापे का जिक्र हम करते ही हैं बार बार कि मोटापे को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। कई लोगों को जो बहुत सांस में बदबू आती है, उसके लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। अच्छी त्वचा आपको चाहिए, अच्छी स्मूथ त्वचा चाहिए, चमकदार आपको त्वचा चाहिए, यानी कि त्वचा के यदि कोई रोग हो तो उसमें भी आप नींबू पानी का प्रयोग पीने के लिए आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, इन्फेक्शंस की हम बार बार बात करते हैं कि अगर गले का इन्फेक्शन हो, गले में आपको खराश रहती है, गले में बलगम रहती है, या एलर्जी आपको बार बार हो जाती है, किसी प्रकार की एलर्जी, जब एलर्जी होती है तो इसका मतलब आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी कमजोर हो रही है, वो नींबू पानी से बहुत अच्छा उसमें फायदा होता है। सुनने में आपको बड़ा लगेगा छोटा सा कि क्या नींबू पानी से इतनी सारी चीजें कैसे हो जाएंगी, आप ट्राई करके देखिए, एक महीना लगातार आप नींबू पानी पी लीजिए सुबह उठ करके, या दिन में भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सुबह ही एक बार पीना, दिन में भी आप एक दो बार और नींबू पानी पिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चीनी ना डालें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हर चीज़ में वो मसाला डालना और काला नमक डालना, फिर उसको पूरा चटपटा बना देते हैं हर चीज़ को। अगर आपको पानी पीना है तो उसमें नींबू डालिए, और चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा उसमें नमक डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। गर्मियों में हम इसलिए बताते हैं कि पसीना ज़्यादा आता है, नमक काफ़ी हमारे शरीर से कुछ ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ सोडियम वगैरह हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसके लिए हम कई बार कहते हैं कि थोड़ा नमक डाल के उसमें ले सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग ना करें, चीनी अवॉइड करें। अगर आपको उसमें मीठा टेस्ट चाहिए तो फिर शहद डाल करके उसको पीना चाहिए। तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, और फायदे होने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों से भी हम बच सकते हैं अगर हम नींबू पानी का सेवन करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिससे कि मैंने शुरुआत की थी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो उससे मोटापा घटता है, इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ऐसा है कि नींबू पानी का सेवन करने से मोटापा घटता शुरू हो जाता है? देखिए, हम बार बार दर्शकों को यही कहते हैं कि हर चीज को समझना चाहिए। केवल किसी ने कहा कि नींबू पानी पिए आपका वजन कम हो जाएगा और फिर आप लगे नींबू पानी पीने 6 महीने से पी रहे हैं, कुछ भी वजन कम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, कह रहे जी हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है। तो आपको देखना है कि इसका मतलब क्या है। दो चीज इसमें मेन आपको समझनी है। अगर नींबू पानी पियेंगे, हमने शुरू में भी बताया, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका पेट, आपकी आंतें क्लीन रहेंगी, उसमें किसी प्रकार के टॉक्सिन, किसी प्रकार के मल पदार्थ वहां पर जमा नहीं होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वो जमा नहीं होंगे तो आपका जो फैट कैरिंग चैनल्स ब्लॉक नहीं होगा, जो हम कहते हैं बार बार कि मेदो व स्रोतस आपके जब ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका फैट बढ़ने लगता है। दूसरी चीज, नींबू में एक और गुण है, नींबू पानी अगर आप पिए तो वो जो चिकना पदार्थ होता है आम, जिसको हम कहते हैं आम, को भी साफ करता है। आपने देखा होगा रसोई में जब कभी बहुत ज्यादा चिकनाई बर्तनों पर लगी हो तो नींबू से उसको धोते हैं और बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर नींबू ना लगाए तो वो उतना चिपका रह जाता है उसके अंदर। तो यही काम जो है नींबू पानी हमारे शरीर में करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं आपको कि अगर मोटापा कम करने के लिए, वजन के लिए आपको नींबू पानी चाहिए पीना, तो हल्का सा गुनगुना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखते हैं खाने के बाद तो हमें फायदा मिल सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बारी आ गई है अब संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे नींबू पानी के सेवन से आप रह सकते हैं फिट एंड हेल्दी। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, एक तो किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको किडनी स्टोन है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह की रुकावट है, इन्फेक्शन है, गर्मी है, तो नींबू पानी से आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक और बड़ा अच्छा है नींबू पानी का फायदा कि मान लो आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आजकल लोग, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं,
तो उसके तुरंत बाद आप आकर के नींबू पानी पिए तो इंस्टेंट आपको एक एनर्जी मिलती है, बॉडी में से जो पसीना निकला, जो एक तरह से डिहाइड्रेशन आपके शरीर में हुई है उसको रोकने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए नींबू पानी बहुत अच्छा काम करता है। और यूरिक एसिड को भी नींबू पानी निकालता है। जोड़ों में कई बार दर्द हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो नींबू पानी अगर रेगुलर पियेंगे तो आपके यूरिक एसिड को जोड़ों में से क्लीन करता है, यानी कि जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। मोटापे का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, यदि आपको वेट लॉस करना है या वेट कंट्रोल करना है या वेट का आपको काफ़ी टेंशन रहता है तो नींबू पानी नियमित रूप से आप पिए। और आंतों में से आम, जो हमने बात की अभी के बर्तन पर चिकनाई जैसे जमती है, इसी तरह से हमारी आंतों में जब आम जम जाता है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता भोजन का ठीक से, कमजोरी आने लगती है, सुस्ती आती है, दिन भर बहुत ज़्यादा लेजीनेस होता है, उसके लिए भी नींबू पानी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे फायदे हैं, इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो नींबू पानी पीने के बहुत सारे फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी जाननी बेहद जरूरी है। कब और कितना सेवन करना हमारे लिए फायदेमंद है और कितना नहीं, कितना नुकसानदायक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि सुबह हमें नींबू पानी पीना चाहिए, वर्कआउट करके आ रहे हैं तब भी पी सकते हैं, लेकिन कब नहीं पीना चाहिए, कब पीने से नुकसान हो सकता है और किन्हें नहीं पीना चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, खाना खाने से तुरंत पहले भी नहीं पीना चाहिए, कम से कम एक घंटे का गैप जरूर हो। इसके अलावा जो है आप जो रात को जब सोने जा रहे हैं उस टाइम नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको कोल्ड है बहुत ज़्यादा कोल्ड से मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बंद है, गला ख़राब है, तो उसमें हमने कहा कि इन्फेक्शन को फाइट करता है, लेकिन उस समय गुनगुने पानी में आपको पीना चाहिए, ठंडे या नॉर्मल पानी में भी नहीं, हल्का सा गुनगुना, और उसमें थोड़ा अदरक डाल करके पियेंगे बहुत अच्छा रहेगा। नींबू एक बार आपने काट दिया तो उसको रखिए मत, करिए ताज़ा काट करके नींबू का रस आपको लेना चाहिए। कई बार क्या, हम काट करके थोड़ा फ्रिज में रख देते हैं, और कभी आपने देखा होगा कि बाहर से नींबू थोड़ा काला पड़ जाता है, थोड़ा कभी कभी वो जैसे पुराना हो जाता है, सूख जाता है, उसमें गुण थोड़े कम हो जाते हैं, उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि नींबू कंसनट्रेटेड फॉर्म में मत लीजिए नींबू का रस, ऐसा नहीं कि दो चम्मच रस निकाला और पी गए सीधा उसको, क्योंकि वो काफ़ी एसिडिक होता है, आपके दांतों को भी ख़राब करेगा, एनामल जो होता है दांतों के ऊपर, और अंदर जा करके वो एसिड को भी बढ़ा सकता है, तो डाइल्यूट करके ही आपको उसको लेना चाहिए, पानी में मिला करके लेना चाहिए, या दाल में डाल के ले सकते हैं, कुछ और आप खा रहे हैं, कुछ पोहा खा रहे हैं आप, उसमें डाल करके थोड़ा ले सकते हैं, कई जो भोजन के हमारे जो कई पदार्थ हैं उनके ऊपर भी डाल करके आप उसको सेवन कर सकते हैं। जूस के ढेर सारे फायदे। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये कहा जाता है कि फल जितना खा सकते हो उतना खाओ जी, मतलब अक्सर मैंने यही सुना है कि जूस के मुकाबले फल ज्यादा खाओ। नहीं, बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि जो फल है उसमें फाइबर होता है, उसमें और सारे कई तत्व होते हैं, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप बीमार हैं, आपका पाचन कमजोर हो गया है, डाइजेशन वीक है, या कुछ लोग जनरली वीक होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, तो वहाँ जूस अच्छा फायदा करता है, क्योंकि जूस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। कई प्रकार के जूस आप बना सकते हैं, फलों के जूस हैं, सब्जियों के जूस हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, अगर बहुत मीठा जूस होगा तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें शुगर की क्वांटिटी भी काफ़ी, खासतौर से डायबिटिक लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक लोगों को इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर चाहें तो फ्रूट खाइए, लेकिन जूस आप ना पिए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब कई तरह के जूसेज आप ले सकते हैं, एनीमिया अगर आपको है, हमने रोग की बात की, अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो गाजर पालक चुकंदर का जूस आप पिए। अगर आपको अच्छी त्वचा चाहिए, आपके स्मूथ स्किन आपको चाहिए और आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए अपनी, तो संतरे का रस आप पी सकते हैं। अनार का जूस आंतों के लिए बहुत अच्छा है, खून भी बनाता है, आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है, खास तौर से आंतों को मजबूती देता है। इसी प्रकार से आप जो है सब्जियों का, जैसे लौकी का जूस आपने सुना होगा, लौकी का जूस काफ़ी फायदा करता है, एल्कलाइन होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा है, कई हमारे शरीर में जो पुराने जो टॉक्सिन्स जमे होते हैं उनको बाहर निकालता है, वो भी आप पी सकते हैं। आंवला, हमारे यहाँ आंवले का रस भी जो है, आंवले का जूस भी पिया जाता है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा गिलास भर के मत पीजिए उसको, 20 से 30 मिलीलीटर काफ़ी होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व हैं, वैसे बहुत सारे उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं,
उनके सेवन से हमारे शरीर में एक रिजुविनेशन होता है, रिजुविनेशन का काम आंवला रस करता है। तो अनेक प्रकार के जूसेस हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि अगर हो सके तो फ्रूट्स आप ताज़ा वैसे खाइए साबुत, तो वो ज़्यादा उसमें और आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। जो कभी जूस जब निकालते हैं तो जूस निकल गया, कुछ चीज़ें हमने फेंक दी बाहर, तो कुछ चीज़ें फाइबर वगैरह या और भी उनमें जो कुछ ऐसे तत्व थे वो नहीं मिले हमको, केवल जूस मिला उसका। तो ताज़ा पूरा फ्रूट खाना तो अच्छा है, लेकिन जूस का भी अपना महत्व है।